एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक में स्थित रतुपुरा गांव पहुंची। वर्तमान में आपदा को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 7,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। लगभग 2700 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में 575 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं अगर हम गांव में पेंशन लाभार्थियों की बात करें तो गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 133 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं व 25 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 110 विद्युत पोल, 40 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, तालाब व नाले की खुदाई का कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं परवेज, ग्राम प्रधानपति, ग्राम रतुपुरा, ब्लॉक सिंभावली, जनपद गाजियाबाद, तहसील गोल मुक्तेश्वर। मेरे ग्राम में 7,000 की जनसंख्या है, 2700 का पोलिंग है। मैंने काम कराया यहाँ पे, इंटरलॉकिंग कराया, सोलर लाइटें लगवाई, एलईडी बल्ब लगवाए, नाली का निर्माण कराया, तालाबों की सफाई करवाई। एक तो मेरे यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है, कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। जब से प्रधानी आई है 2 साल हो गए, कोई सफाई कर्मी नहीं है यहाँ पे, जबकि पहले से सीट खाली है। गवर्नमेंट को एक तो सफाई कर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए, दूसरा मेरे यहाँ पे तालाबों की सफाई मेन काम है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे यहाँ पे जो पानी है वो खराब हो गया है, पानी की व्यवस्था, एक टंकी की व्यवस्था करी जाए। एक स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ पे नहीं है, उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट से करी जाए। मेरे यहाँ पे जो शमशान घाट है उनकी चार दीवारी बाउंड्री की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। मेरे यहाँ पे पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस तरह की जो पेंशन है, कोई पेंशन किसी को नहीं आ रही है। तो हम लोग समझते हैं कि प्रधान के लिए कुछ भी नहीं है, प्रधान अकेलापन महसूस करता है। लाइट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही से कराइए। 15-20 मेरे यहाँ पे वो लगने हैं, वो ट्रांसफार्मर, उनकी व्यवस्था गवर्नमेंट करे। मेरे यहाँ पे जो वायर है, लाइट का वायर है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है। 11,000 की लाइट है पूरे गांव में, 2-4 बार हादसा भी हो गया है, लाइट वायर टूट जाता है। तो उसमें मैं चाह रहा हूँ गवर्नमेंट मेरे यहाँ पे वो करे, वायर केबल की व्यवस्था करी जाए। दूसरा मेरे यहाँ पे जो स्कूल है, पैसे का अभाव है, मैं चाहता हूँ अच्छा स्कूल बने, तो उतना पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है, थोड़ा पैसा आता गवर्नमेंट से। मेरे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी है, एक पार्ट वो है जूनियर हाई स्कूल है। दोनों स्कूलों के लिए मैंने पैसा लगाया भी है, काम भी चल रहा है अभी, लेकिन पैसे के अभाव में पूरा काम नहीं कर पाऊँगा। दूसरा शौचालय, मेरे यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं आया, जबकि मेरा जिला हापुड़ ODF घोषित हो चुका है, लेकिन मेरे गांव में इस योजना में एक भी शौचालय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, ना उसका कोई पैसा मेरे पास आया है।